बच्चों, आज हम अबुल फजल के बारे में जानेंगे। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी सन 1551 ईस्वी को आगरा के पास हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुबारक था और भाई का नाम फैजी था। फैजी इनसे 4 साल बड़े थे। मुबारक बड़े स्वतंत्र विचारों के थे, जिसका प्रभाव इनके दोनों बेटों फैजी और अबुल फजल दोनों पर पड़ा। अबुल फजल दिन और रात पढ़ाई में लगे रहते थे। उनके ज्ञान को देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। एक बार अबुल फजल को एक अधजली फारसी किताब मिली। उसके जले हुए अंश को काट कर उन्होंने वहां सादा कागज जोड़कर अपने मन से उस पर शेष अंश लिख डाला। जब उस अंश की दूसरी प्रतिलिपि के साथ उसको मिलाया गया तो पाया गया उसमें अबुल फजल अपने शब्दों में उसी किताबों की बात को लिख चुके थे। 24 वर्ष की उम्र में इनकी मुलाकात बादशाह अकबर से हुई। अकबर इनकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुए। एक बार जब अकबर बंगाल पर विजय प्राप्त कर फतेहपुर सीकरी लौटे तो अबुल फजल ने उन्हें अपने ढंग से तैयार की गई कुरान की एक टीका भेंट की। अबुल फजल ने अनेक राजकीय पदों पर भी कार्य किया। वे विद्वान होने के साथ साथ एक शौर्य वीर योद्धा सैनिक भी थे। उन्होंने कई युद्धों का संचालन किया। एक बार अकबर के पुत्र जहांगीर अकबर से विद्रोह कर बैठे, परंतु अबुल फजल ने अकबर की सहायता कर जहांगीर के कार्यों को विफल कर दिया, जिससे अबुल फजल को अपने रास्ते का कांटा समझकर जहांगीर ने उनकी हत्या की गुप्त योजना तक बना डाली। अकबर के बुलाने पर जब अबुल फजल दक्षिण के रास्ते से लौट रहे थे तो राह में वो लड़ाई में मारे गए। जब अकबर को पता चला कि अबुल फजल की हत्या का कारण कोई और नहीं उनका पुत्र जहांगीर ही है, तो शोक में उन्होंने कई दिनों तक भोजन तक नहीं किया। अबुल फजल सत्य को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे, जिस कारण उनका किसी धर्म से कोई विरोध नहीं रहा। वो शत्रु से भी कठोर वचन नहीं बोलते थे। अकबर के कहने पर इन्होंने महाभारत, भागवत आदि कुछ ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी किया। इन्होंने फारसी में इतिहास की दृष्टि से 2 श्रेष्ठ ग्रंथ क्रमशः अकबरनामा, जिसमें अकबर के राज्यों का वर्णन, तथा आईने अकबरी, जिसमें अकबर के शासन की महत्वपूर्ण बातें हैं, लिखी। ऐसे विद्वान को हमारा नमन है।